सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडेट। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डेडपूल 3 के बारे में। सो डेडपूल 3 जुलाई के महीने में रिलीज होने वाली है और इसका दूसरा ट्रेलर कब रिलीज होगा इसके बारे में फैंस काफी दिनों से क्वेरी कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू सम रीसेंट रिपोर्ट्स, ऐसा कहा जा रहा है कि डेडपूल 3 का ट्रेलर आपको एक्समैन 97 के फिनाले के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि 15th मई के आसपास देखने को मिलेगा, जो डे अभी से लगभग 2 महीने दूर है। सो डेडपूल 3 के ट्रेलर के लिए आपको अभी 2 महीने और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डेडपूल 1 के ट्रेलर ने हमें डेडपूल की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, पर डेडपूल 3 का ट्रेलर 2 हमें इस मूवी की स्टोरी के बारे में काफी कुछ बता सकता है। इसके अलावा ऐसे भी रिपोर्ट्स निकल के आ रहे थे कि डेडपूल 3 का ट्रेलर 2 वुल्वरीन के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, जैसे कि ट्रेलर 1 हमें डेडपूल के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया, वैसे ही ट्रेलर 2 हमें वुल्वरीन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा सकता है। इसके अलावा आपने ये सारे रूमर्स सुने ही होंगे कि हेनरी कैविल आपको एज अ वुल्वरीन वेरिएंट डेडपूल 3 में देखने को मिल सकता है। डेडपूल 3 के अंदर आपको मल्टीपल वुल्वरीन वेरिएंट्स और डेडपूल वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको लेडी डेडपूल भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी काफी सारे डेडपूल वेरिएंट्स आपको डेडपूल 3 में देखने को मिलेंगे, जो कि कंफर्म भी हो चुका है सेट इमेजेस के थ्रू। सो हेनरी कैविल का न्यूज अभी एक काइंड ऑफ र्यूमर है और ये कहना मुश्किल है कि क्या हेनरी कैविल आपको एज अ वुल्वरीन वेरिएंट डेडपूल 3 में देखने को मिलेंगे या नहीं। पर अगर हेनरी कैविल एज अ डेडपूल 3 के अंदर एज अ वुल्वरीन हमें देखने को मिलते हैं तो एक काफी हाइप मोमेंट होगा जरूर। पर क्या इसका मतलब ये है कि वुल्वरीन आगे चलते हुए हेनरी कैविल प्ले करेंगे एमसीयू के अंदर और हेनरी कैविल मेन वुल्वरीन होंगे एमसीयू के? ये कहना अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हेनरी कैविल के वुल्वरीन को अब जॉन क्रांसिस्की के मिस्टर फैंटास्टिक से कंपेयर कर सकते हो, जहां पर जॉन क्रांसिस्की ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर जरूर मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले किया था, पर एमसीयू का मेन फैंटास्टिक फोर के रोल में और मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में पेड्रो पास्कल को कास्ट किया गया है, जैसे कि आप सबको पता होगा। सो ऐसा ही कुछ हेनरी कैविल के साथ हो सकता है, जहां पर डेडपूल 3 के अंदर आपको हेनरी कैविल एज अ एक्समैन वेरिएंट एज अ वुल्वरीन वेरिएंट देखने को मिल तो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर भी आपको हेनरी कैविल ही एमसीयू का मेन वुल्वरीन बनते हुए दिखे। वो कोई और करेक्टर भी, कोई यंग करेक्टर भी प्ले कर सकता है मे बी। पर अभी सीक्रेट वॉर्स तक तो आई थिंक ह्यू जैकमैन ही कंटिन्यू करेंगे एज वुल्वरीन, और उसके बाद कहीं जाके आपको एक नया वुल्वरीन देखने को मिलेगा आई थिंक। बाकी क्या आप एक्साइटेड हो हेनरी कैविल के वुल्वरीन को देखने के लिए डेडपूल 3 के अंदर, ये मुझे कमेंट्स बिल्कुल बताना भूलें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डेडपूल 3 के रन टाइम के बारे में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि डेडपूल 3 का रन टाइम जस्ट ओवर 2 आवर्स हो सकता है, यानी कि डेडपूल 3 का रन टाइम हो सकता है 2 घंटे 10 मिनट के आसपास हो, जो कि आई थिंक एक अच्छा रन टाइम होगा इस मूवी के लिए। आई थिंक डेडपूल के ऊपर मार्वल का फ्यूचर काफी हद तक डिपेंड करता है और आई होप ये मूवी एक काफी अच्छी मूवी हो। बाकी आप डेडपूल 3 का एक्साइटेड हो या नहीं ये मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना भूलें, और अगर हमें चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।